करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, वरना ये नाम होगा जय हो, वरना ये नाम होगा बेकार है कन्हैया, वरना ये नाम होगा बेकार है कन्हैया, वरना ये नाम होगा बेकार है कन्हैया। एक बार जी मेरी सुन लो, बिंदु रत्न लेकर मृग बिंदु आयुष है ये भूजी, मृग बिंदु रत्न लेकर आयुष है ये भूजी, मृग बिंदु रत्न लेकर बदले में दे दो अपना जय हो, बदले में दे दो अपना कुछ प्यार है कन्हैया, बदले में दे दो अपना कुछ प्यार है कन्हैया, बदले में दे दो कुछ भी बस प्यार है कन्हैया, बदले में दे दो अपना कुछ प्यार है कन्हैया, बदले में दे दो कुछ अपना प्यार है कन्हैया, बदले में दे दो अपना कुछ प्यार है कन्हैया, बदले में दे दो अपना कुछ प्यार है कन्हैया। एक अर्थ मेरी सुन लो, एक दर्द है कन्हैया, एक दर्द मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया, एक दर्द मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया, एक दर्द मेरी सुन लो, एक दर्द मेरी सुन लो, एक दर्द मेरी सुन लो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय श्री राम। अभी भी कुछ लोग हाथ नहीं उठाते, एक बात याद रखना, जो लोग हाथ उठाते हैं उनका पाप निकल जाता है, और जो नहीं उठाते उनके ऊपर बैठ जाता है। आगे आपकी इच्छा, इसलिए जोर से जयकारा भी लगाया करो, लोगों को पता चले कितने लोग बैठे हैं, है ना, इतनी अच्छी संख्या, वाह बहुत सुंदर बात। कहते हैं भगवान तो अपने भक्तों को तारने का बहाना खोजते हैं, कितने दयालु ठाकुर जी, उनका नाम स्मरण करो पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं। वर्णन आता है उस अजामिल का, जब अंत समय आया, अंत समय आया तो उसको लेने के लिए यमराज के दूत आए, भयंकर यमराज के दूत। अब यमदूतों को देखा तो चारपाई पर लेटा हुआ था, अब उसके कंठ से आवाज नहीं निकल रही, जैसे बहुत कोई भयभीत हो जाए तो जल्दी आवाज नहीं निकलती, बहुत ज्यादा डर जाए कोई तो आवाज निकल नहीं सकते। तो यमदूतों को जब देखा, इतना भयंकर रूप, वह भयंकर रूप देख करके अत्यंत भयभीत हो गया, जैसे तैसे आवाज निकली,
और किसको पुकारा, अंत समय में कौन याद आता है? कहते अंत समय में वही याद आता है जो जिससे आप सबसे अधिक स्नेह करते हैं, जिससे आप सबसे अधिक प्यार करते हैं, वही याद आता है। और उस बच्चे नारायण में बड़ा प्रेम है जामिल का, बेटा याद आया और बेटे को पुकारा, बेटा नारायण कहाँ हो मेरी रक्षा कर। बेटा नारायण पुकारा, अब जैसे नारायण नाम पुकारा तो पुकारा तो अपने बेटे को, और भगवान ने कृपा कर दी, भगवान ने अपने पार्षदों को अपने दूतों को भेजा है। भगवान नारायण के चार दूत वहां पर आ गए, भगवान के दूत भगवान जैसे हैं, वो भी चार भुजा के शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले। और वो सब जब आए तो उनको देख करके यमदूत भयभीत हो गए। यमदूतों ने कहा आप यहाँ पर क्यों आए हो? भगवान नारायण के दूत कहने लगे पहले ये बताओ आप यहाँ क्यों आए? तो यमदूतों ने कहा देखो हमारे पास रसीद है इसके नाम की, इसका टिकट कटा हुआ है ऊपर से, इसको लेकर के जाना है। भगवान नारायण के दूतों ने कहा कि देखो इसने मेरे स्वामी का नाम पुकारा है, इसने मेरे नाथ नारायण का नाम लिया है, इसलिए अब ये नरक नहीं जाएगा, अब ये वैकुंठ जाएगा, क्योंकि अंत समय कैसे भी जीवन भर पाप किया अगर किसी बहाने से भी नाम निकल जाए, देखो अंत समय में नाम जल्दी निकलता नहीं, हमने खुद देखा है। एक लोग बिल्कुल उनकी अंतिम स्थिति थी, हम देखने के लिए गए मुलाकात करने के लिए, रो रहे थे, हमने कहा राम राम कहो, राम राम कहो, भगवान का नाम लो, तो कहा वही तो कह रहे हैं। हमने कहा क्या कह रहे हो? राम राम कहो। कहा बस वही तो नहीं निकल रहा। हमने कहा क्या नहीं निकल रहा? बोले वही जो आप बोल रहे हैं, यानी बहाने से भी उनके मुंह से राम नहीं निकलता है। राम नाम की अपूर्व कीमत होती है। एक ऐसा ही व्यक्ति था बहुत जिद्दी स्वभाव का, उसके संपूर्ण परिवार ने गुरु कर लिया, मंत्र ले लिया, उसने नहीं लिया। घर वालों ने शिकायत की गुरुजी यही मंत्र नहीं ले रहा है। गुरुजी ने कहा अच्छा नहीं लेगा मंत्र, उसको पकड़ लिया और कहा कि बोल राम राम, तो कहा कि नहीं बोलो राम राम, कहा रे बोल राम राम, जोर से डांटा, तो कहा मैं राम राम नहीं कहूंगा। बस गुरुजी ने छोड़ दिया, कहा ठीक है राम राम बोल दिया, लेकिन बेटा इस राम नाम को बेचना नहीं। और कहा जाता है उसने जीवन भर कोई सत्कर्म नहीं किया, अंत समय में जब गया यमपुरी में तो यमराज ने चित्रगुप्त से कहा देखो कोई पुण्य किया है? कहा एक बार राम का नाम लिया है, वो भी महात्मा के दबाव में। तो कहा उसका क्या पुण्य होता है? बोले क्या पुण्य होता है वो तो हमें भी नहीं मालूम, इसे पूछना पड़ेगा। उस व्यक्ति को लेकर के यमराज जी चित्रगुप्त के साथ ब्रह्मा जी के पास गए, बोले बताइए महाराज एक बार इसने राम नाम लिया है क्या पुण्य होता है इसको, वो फल दिया जाए? ब्रह्मा जी ने कहा वो तो हम भी नहीं जानते। अच्छा चलो राम नाम तो शंकर जी खूब जपते हैं, चलो शंकर जी से पूछते हैं। उस जीवात्मा ने कहा भाई हम तो थक गए, हम तो नहीं जाएंगे ऐसे, अब आप लोग यहाँ से वहां वहां से वहां, ये ठीक नहीं। उसको पालकी में बैठाया, यमराज जी और ब्रह्मा जी ने उठाया उसको और कहा चलो शंकर जी के पास। शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने कहा कि आज बड़ी अच्छी सवारी आ रही पालकी में बैठ के, कौन है भैया कौन है? यमराज जी से पूछा क्या बात है? यमराज जी ने कहा इसने जीवन भर पाप किया, केवल एक बार राम का नाम लिया है, क्या पुण्य होता है बताओ तो इसको हम उसी हिसाब से इसकी व्यवस्था करें। शंकर जी ने कहा भाई राम नाम जपते तो हम भी हैं लेकिन ये हमें भी नहीं मालूम, चलो ऐसा करते हैं जिनका नाम है उसी फिर उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। तो
फिर पालकी उठाई गई और उस जीवात्मा को लेकर के सब क्षीर सागर पहुंचे भगवान विष्णु के यहाँ। और भगवान विष्णु से पूछा, महाराज आपका इसने एक बार राम नाम लिया है उसका क्या फल होता है? कहा किसने? कहा पालकी में बैठा है। जैसे ही उसको निकाला गया उसने देखा भगवान को तो दौड़ करके गया और चरणों से लिपट गया। भगवान ने उसको गोद में उठा लिया और कहा, यमराज जी पूछते, महाराज एक बार राम नाम लिया इसका फल क्या होगा? भगवान कहते हैं, देख नहीं रहे हो तुम सब देवता पालकी में लेकर के यहाँ हमारे पास तक आए हो और यह हमारी गोद में बैठ गया, अब इससे बड़ा फल और क्या होगा? ये होती राम नाम की महिमा। इस अजामिल ने भी भगवान का नाम पुकारा नारायण। यमदूत झगड़ा करने लगे, बोले अरे इसने अपने बेटे को पुकारा है, आपके भगवान का नाम थोड़े लिया है। कहा अच्छा एक बात बताओ, भगवान का नाम पहले से था कि इसके बेटे का नाम पहले से था? यमदूतों ने कहा वो ये सब हम कुछ नहीं जानते, हम इतना जानते हैं हम इसको लेके जाएंगे। भगवान के दूतों ने कहा भाग जाओ यहाँ से अगर अपना भला चाहते कि कुछ प्रसाद लेकर के जाओगे। झगड़ा करने को तैयार हो गए, भगवान के दूतों ने जो पिटाई की, तोड़ फोड़ करके बराबर कर दिया यमदूतों को। यमदूत वहां से आए रोते हुए यमपुरी को, उधर भगवान के दूतों का दर्शन किया अजामिल ने। इस संवाद को सुना कि यमदूतों में और भगवान नारायण के दूतों में जो बात हो रही थी अजामिल के कान में आवाज जा रही थी। उसने सोचा मैंने अपने बेटे को पुकारा तो भगवान ने इतनी कृपा कर दी, अगर मैं स्वयं सच्चे हृदय से परमात्मा का भजन करूं तो कृपा कैसे नहीं होगी? उनकी कृपा तो बरस रही है, कमी हमारे भीतर है, कमी कहीं और नहीं हमारे भीतर ही कमी। देखो शरीर रोगी हो, विशेष परेशानी हो, भोग भोगना पड़ता है, ये ग्रह दशा सबके ऊपर लगती है। एक सरल उपाय बता रहे हैं, महात्माओं का बताया हुआ उपाय है, हम नहीं बता रहे हैं। सिद्ध संत जो हो चुके, जो देवी देवताओं से साक्षात बात कर लेते थे, ऐसे महापुरुष हमारे गोकुल भवन के परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज, बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष, उच्च कोटि के। उन्होंने भगवान शंकर जी से पूछा, भगवान शंकर ने उपाय बताए हैं दुख दूर करने के लिए, जिसका बच्चा अधिक बीमार रहता है। एक उपाय है, चावल ले लो, चावल कैसा भी मोटा हो पतला हो, हम ये नहीं कहते बासमती ही लो, जो हो, काले उड़द की दाल, नमक और कुछ सिक्के, उस बालक को तौल करके और वो खिचड़ी सूखी ले जाकर के भिखारियों में बांट दो, उसकी आधी बीमारी उसी दिन से चली जाएगी। कोई भी व्यक्ति बहुत बीमार रहता है, बहुत दिन हो गए दवा खाता है लेकिन फायदा नहीं करता, ग्रह दशा है। एक बात बताएं, यह ग्रह दशा क्यों लगती है? यह ग्रह दशा इसलिए लगती है क्योंकि हर व्यक्ति के ऊपर कुछ कर्जा होता है, वो पैदाइशी कर्जा है ना, जो कि पितृ ऋण होता है, देव ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है, ये कर्जा होता है। देवताओं की पूजा करने से देवताओं का कर्जा उतर जाता है और ऋषियों का पूजन करने से ऋषियों का जो ऋण होता है वो उतर जाता है और अपने पुरखों का श्राद्ध सत्कर्म आदि करने से, माता पिता की सेवा आदि करने से जो पितृ ऋण होता है वह उतर जाता है। हर मनुष्य, आप हो हम हो कोई भी हो, जो भी व्यक्ति कमाता है, जो भी आय उसको होती, जो भी लाभ होता है, लाभ का दसवां हिस्सा धर्म का होता है। आपने 100 रुपए की कमाई की है तो 90 आपकी, 10 रुपए धर्म के, ये शास्त्र में लिखा है, शास्त्र की बात है। आप यदि पूरे 100 के 100 रख लेते हैं, ऐसे ही 1000 में 100,
और एक लाख में एक हजार, दस हजार, एक लाख में दस हजार, इसी प्रकार। तो यह जो पैसा है, आप ऐसा कह सकते हैं महाराज, सौ में से दस देने में तकलीफ नहीं होती, लेकिन एक लाख में से दस हजार देना हो तो सोचना पड़ेगा। सोचना नहीं पड़ेगा, उस पर कर्जा है। उस पैसे को अगर धर्म में नहीं लगाओगे तो उस पर चक्रवृद्धि ब्याज चलता है। वो रोग के रूप में, शोक के रूप में, मुसीबत कष्ट के रूप में तुम्हारे सामने आएगा। वो रुपया सूत ब्याज सहित खर्च हो जाएगा। तो एक ये है कि सीधे सीधे धर्म कर लो, तुम्हारा नाम भी होगा, काम भी होगा, पुण्य भी अर्जित होगा। और एक ये है कि रो रो करके, कष्ट उठा करके करोगे, वो करना पड़ेगा, वो उतना पैसा निकलेगा ही। फिर कोर्ट कचहरी में चला जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट कर देगा वो पैसा, क्योंकि उस दसवें हिस्से पर आपका हक नहीं है, वो हक आप खाओगे तो बुद्धि भ्रष्ट करेगा। उस पैसे को धर्म में लगा देना चाहिए। हम ये नहीं कहते हम ही को लाके दे, गांव में, समाज में, क्षेत्र में अनेक धर्म कार्य होते हैं, उसमें खर्च कर दो। अनेक सार्वजनिक आयोजन होते हैं, उनमें सहायता कर दो खुले हाथ से, है ना। किसी गरीब की कन्या की शादी हो रही, उसमें खर्च कर दो। बहुत से ऐसे काम हैं, किसी अनाथ दीन दुखी बालक को देखो, बालक तो होनहार है लेकिन इसके माता पिता के पास इसको पढ़ाने का खर्चा नहीं है, अरे तो साल भर की फीस ही दे दो। किसी बच्चे को कुछ किताबें ही खरीद करके दे दो। हम ये थोड़े कहते हैं हमको ना कोई देते, लेकिन धर्म ये नेकी में खर्च करना चाहिए, दसवां हिस्सा लगाना चाहिए। नहीं लगाता है व्यक्ति तो कष्ट पाता है, ग्रह दशा उसके ऊपर चालू होती है। इसलिए किसी भी अवस्था में अगर आपको कष्ट है, दवा फायदा नहीं करती, शरीर में रोग है, तो बड़ा हो या बूढ़ा हो कैसा, हमने स्वयं देखा है कि वेंटिलेटर से लोग उठ करके आ गए घर पर, और कई बार वेंटिलेटर पर जाने के बाद फिर शमशान घाट ही जाते हैं लोग, वापस तो नहीं आते जल्दी। लेकिन उन लोगों ने तुलादान किया, सच्चे हृदय से परमात्मा की शरणागति स्वीकार की, ठीक हो गए। इसलिए साल में एक बार बढ़िया तराजू में एक तरफ स्नान करके बैठ जाओ, दूसरी तरफ चावल, उड़द की दाल, नमक और कुछ सिक्के, जो इच्छा हो तुम्हारी वो रख करके तौल दो, आप ऊपर उठ जाओ, सामग्री नीचे हो जाए, उसको ले जाकर के दीन दुखी भिखारियों में बांट दो, आधी बीमारी तुम्हारी तत्काल नष्ट हो जाएगी, ग्रह दशा उतर जाती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। इसीलिए सत्कर्म करना चाहिए, है ना, उसके रास्ते हैं, उसके कुछ तरीके हैं। और भगवान के नाम का आश्रय लो, तीन नाम भगवान के, अच्युत अनंत गोविंद, ये तीन नाम ऐसे हैं, किसी को महारोग हो गया हो इन तीन नामों का स्मरण करे, हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद, है ना, उसका रोग नष्ट हो जाए, शास्त्र कहते हैं। इसलिए कुछ धर्म कर्म है, इनको करना चाहिए। वर्णन आता है, अजामिल की कथा चल रही है, कहते हैं अजामिल ने जब यह संवाद सुना विष्णु दूतों का और यम दूतों का, तो बाद में वो ठीक हो गया। उसकी उम्र थोड़ी शेष थी, बची हुई थी, गंगा जी के किनारे चला गया है, और गंगा जी के किनारे, गंगा जी की तो अपूर्व महिमा है, गंगा जी के किनारे नित्य गंगा स्नान करता है, भगवान का भजन करता है, गंगा मैया की तो इतनी कृपा होती है, गंगा जी जिस पर कृपा कर दें फिर कहना ही क्या है। गंगा मैया को देखने से ही पाप नष्ट हो जाते हैं, जो आचमन स्नान करते हैं उनकी कितनी महिमा होती है। गंगा जी की स्तुति यहाँ पर हम कर लेते हैं,
और बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे लहर धीरे धीरे मैया लहर धीरे धीरे लहर धीरे धीरे मैया लहर धीरे धीरे बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे प्रेम के साथ सुंदर ताली की सेवा करते हुए हरिद्वार में कैसी शोभा है माता हरिद्वार शोभा हरिद्वार में कैसी शोभा है माता हरिद्वार में कैसे शोभा पहाड़ों से आए हो पहाड़ों से आई उधर धीरे धीरे पहाड़ों से आई उधर धीरे धीरे पहाड़ों से आई उधर धीरे धीरे पहाड़ों से आई मैया उधर धीरे धीरे पहाड़ों से आई मैया उधर धीरे धीरे बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे की सेवा करते हुए बड़े भाग्य उनके मैया जो तेरे किनारे 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 बसाए गए हैं बसाए गए हैं शहर धीरे धीरे बसाए गए हैं शहर धीरे धीरे बसाए गए हैं मैया शहर धीरे धीरे बसाए गई है
दिया शहर कैसे गंगा की जो कैसे गंगा की बिगड़ी मैया बनाई है तुमने की बिगड़ी मैया बनाई है तुमने अनेकों की बिगड़ी मैया बनाई है तुमने अनेकों की बिगड़ी मैया बनाई है तुमने हमारी भी ले लो हमारी भी ले लो खबर धीरे धीरे 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 हमारे भी ले लो हमारे मिले लो मैया खबर कहीं कैसे गंगा कहीं कैसे गंगा लहर धीरे धीरे मैया लहर धीरे धीरे मैया लहर धीरे धीरे कहीं कैसे गंगा लहर धीरे धीरे कहीं कैसे गंगा लहर धीरे धीरे लहर धीरे धीरे लहर धीरे धीरे बोलिए श्री गंगा।